हमारे हिमाचल और इस इधर की पिक का देखो भाई कितना फर्क है। देखो हमारे इतनी लंबी बॉडी बनाते नहीं, फिर आगे को भी है हमारे तो वहाँ कांटा घुस गया इसमें। आपको भी कैसे पपीता लोड करते हैं, कितना टन भरना है, और हाँ ये चंडीगढ़ के लिए भरना है हमारे को। क्या ही बंदे मेरे को बोल रहे थे, बोले रात को मत जाना भाई इधर रिस्क है। भाई 9 घंटे हो गए हमारे को, 9 घंटे चाय पी नहीं। सुमित भाई बहुत अच्छा लगा भाई ये चक्कर लगा के, आया मजा कि नहीं है? परेशान हो गया भाई यार, बाकी ज्यादातर थैंक्स सुमित के डैडी को, थैंक यू सो मच, आपको और रात को परेशान किया हमने यार। देखो रात के 2:30 बज रहे अभी घर। चलो भाई पहले तो करते हैं गाड़ी लॉक। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार। तो भाई आज है 14 तारीख, तो पिछली वीडियो में आपने देखा हमने गाड़ी खाली कर दी थी नागदा में, रात को 12 बजे हमारी गाड़ी खाली हो गई थी। तो सुबह मैं 10 बजे सो के उठ के आ गया वहाँ से, अभी मैं खड़ा हूँ रतलाम में आके। ये रतलाम बाईपास में है, ढाबा होटल मालवा पैलेस, तो यहाँ पर आके सबसे पहले भी नहाने धोएंगे, सबसे पहले नहा धो के आगे भाई फ्रेश हो गए हैं। और गाड़ी की देखो रात बारिश हो रही थी ना, बारिश की वजह से मिट्टी से पूरे हाल है हुए हुए गाड़ी के। तो सबसे पहले मैं कहा खाना खा लेते हैं, जाके लंच कर लेते हैं। और यहाँ भाई हम क्यों आए हैं उसका रीज़न है रतलाम आने का। अब यहाँ से भाई हम लोड देख रहे हैं, 1-2 लोड पर मेरी बात चल रही है, तो अभी बोलते लंच हुआ है। अब जैसे 2 बजे के बाद पता चल जाएगा अभी कहाँ के लिए हमारे को लोड करनी है। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ या पंजाब भी जा सकते हैं, या यहाँ से जलगांव साइड, या मान लो कहीं भी औरंगाबाद सॉरी संभाजी नगर साइड का लोड मिल गया, या नासिक इधर का भी। तो जैसा भी होगा मैं बता देता हूँ आपको। और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए जी आज दिखाते हैं आपको खाने में क्या क्या खाते हैं एक ट्रक ड्राइवर। आ गया है जी दोस्तों हमारा आज का लंच। आज हमने देखो सेव दूध मंगाया है, साथ में राइस मंगाए थे, फ्राइड राइस मसाला राइस। हाँ अब सही है भाई, मस्त हो गया। चलिए करते हैं भाई जी खाना शुरू। खाना खाने के बाद फिर देखते हैं आज हमारे को लोड मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब काम पे इसके बाद जाएंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। करें सुमित भाई स्टार्ट, चलो करूँ। तो भाई अब आप देख रहे होंगे भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया, अब शाम हो गई है। तो भाई बात ऐसी है, वहाँ जो हमारी लोड की बात चल रही थी रतलाम में, वो माल फिर मिला नहीं, कैंसिल ही हो गया एक तरह से। तो वहाँ से उसके बाद हम निकल गए भाई अब वहाँ होटल से रतलाम से, अभी हम पहुँचे आके बदनावर में। तो अभी चल रहे हैं भाई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, लोडिंग के लिए तो होगी हमारी कन्फर्म। तो जाते जाते भाई यहाँ चौक है जहाँ से बदनावर के लिए ना मंडी के लिए, यहाँ से अंदर रास्ता। तो यहाँ पहुँचे थे, यहाँ गाड़ी रोकी हुई थी हमने, यहाँ जूस पी रहे थे इधर भाई के पास, उतने में भाई आ गए। इन्होंने आपने गाड़ी जाते जाते पहचान ली थी? हाँ जी। कैसे पहचानी आपने वो, बताओ? वो एलईडी लगी थी ना आपके ट्रक की, हाँ जैसे अपनी एलईडी चल रही उससे पहचान होगी आपको। गाड़ियाँ तो और भी ऐसे मतलब सेम कलर की है ना, बहुत सारी। कई बार भाई बोलते आप रुके नहीं यार, मैं कह यार भाई मेरी गाड़ी नहीं थी, सेम सेम लगती ना देखने में इस करके। बाकी भाई एलईडी लगी थी ना, हाँ वो उससे देखता मैंने गाड़ी। तो ये गाड़ी है भाई की, ये जा रहे हैं, ये तो खैर पार्टी वाला इनका माल है, मतलब ये भाई है इनकी गाड़ी है। ये क्या क्या है भरा हुआ इसमें बोरे में? धनिया भाई, ये लोड करके ले जा रहे हैं। ये इधर बांसवाड़ा है नहीं, बांसवाड़ा मंडी में जाएगा ये माल, ये उतारे। बाकी पिकअप भाई देखो हमारे हिमाचल और इस इधर की पिकअप देखो भाई कितना फर्क है। देखो हमारे इतनी लंबी बॉडी बनाते नहीं, फिर आगे को भी है हमारे जो बॉडी बनती है ना, जैसे हिमाचल में 9 फिट की बॉडी बनाते हैं उसी हिसाब से कम, और फुल इतनी बड़ी बॉडी बना ली और इसमें इतना माल लोड कर लिया तो पलटने का खाई मस्त। देखो अगर कोई भाई अपना हिमाचल से देख रहा पिकअप वाला भाई ना, देखो तो आप बताओ आपको कैसी लगी भाई इस पिकअप की बॉडी। ये एमपी की है, सॉरी गाड़ी राजस्थान की लेकिन चल रही है एमपी में। इधर देखो तो आगे से कितना मैक्सिमम लोड भर लेते हैं आप इसमें? हमारे वहाँ 2 टन 3 टन भी भरते हैं, कोई कोई 4 टन भी भर लेते हैं आप इतना। सही है फिर तो यार मस्त है। बाकी गाड़ी ये एक नंबर है भाई की, ये पुरानी गाड़ी तो और अच्छी है जो लंबे बोनट में है ना, वो नई वाली से अच्छी है। चलो फिर भाई चल गए भाई, अब हम भी जा रहे हैं फिलहाल, जा रहे भाई नागदा की तरफ, नागदा से जाएंगे हम ना, हमने जाना है मुन्नावर बड़वानी, वहाँ लोड करने जाना है हम, हमारे को गाड़ी पपीता लोड करने जाना है, मैं बता देता हूँ भाई आपको। लेकिन लोड सुबह होगी तो अभी निकल रहे हैं नागदा तक,
फिर इसको भी घर जाना है। मैं कहा वहां से हम फिर सुबह निकलेंगे। चलिए भाई निकलते हैं। The next morning. Good morning जी। Good morning from Manavar, MP. भाई मिल गई। ले आए भाई बैंडेड। भाई बैंडेड क्यों लाए आपको दिखाते थे। कट लग गया यार इधर ना। मैं पीछे बाहर उतरा था मतलब वॉशरूम करने के लिए, तो वहाँ कांटा घुस गया इसमें काफी जोर से घुसा। पार्टी वाले का फोन आ रहा है भाई, मुनावर पहुंच गए हैं। आप थोड़ी देर से मिलता हूँ आपसे, पहले आपको बताते हैं क्यों आए हैं और क्या लोड करने आए हैं। हेलो गाइस, ये जो है ये बाजार है भाई मनावर। एक बार मैं पहले भी यहाँ आया था टमाटर लोड करने, तो भाई आज हम आए हैं इधर पपीता लोड करने के लिए। तो रात मेरी बात हो गई थी पार्टी से, उन्होंने बुलाया है, तो अभी यहाँ लेबर वाले भाई आने थे दो, वो भी मिल गए हमारे को। तो यहाँ एक चाय की टपरी थी, मैं कहा भाई चाय भी पी लेते हैं, गाड़ी हमने वो उधर की खड़ी। वह पैर में चोट लगी मेरे बहुत जोर से, गहरी चोट लगी, इसे ब्लडिंग नहीं रुक रही, अब सही हो गया थोड़ा। सवेरे सवेरे कांटा दावा ना, कांटा ऐसे घुस गया अंदर और पूरा फाड़ गई। तो चल रहे हैं भाई अब खेत में जाना है, आज पूरा दिन भर लगेगा हमारे को शाम तक भाई पपीता लोड करने में। आगे पूरा दिखाऊंगा आपको भी कैसे पपीता लोड करते हैं, कितना टन भरना है, और हाँ ये चंडीगढ़ के लिए भरना है हमारे को। तो चलिए चाय अभी लब पी लेते हैं फिर चलते हैं खेत के लिए। नाम भूल गया, क्या नाम बोला आपने? मनीष भाई इंदौर से हैं। इंदौर से, चलो सही है भाई, मिल गए थे अपने यहाँ मुनावर क्रॉस करके मनीष भाई इंदौर से, चलते चलते रुकवा लिया था इन्होंने। चलो ठीक है भाई, ओके भाई। चलो भाई इसको चल रहे भाई अब, क्योंकि टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। और सिंघाना बाजार में पहुंच गए हैं हम, गए थे घास डालने, घास डाल के ले आए। तो अब जा रहे हैं भाई वापस दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं, मतलब जहाँ से लोड करनी है। मैं कैसा करते हैं यहाँ से नाश्ता बन रहा है, ताज़ा ताज़ा नाश्ता ले लेते हैं, पैक करवा लेते हैं। देखो इधर बन रहा है भाई, देखो जलेबी फाफड़ा और भी कचौरी पोहा वगैरह कुछ भी ले चलते हैं यहाँ से, काफ़ी बड़ी दुकान है। चलिए जी दोस्तों पहुंच गए जी, पूरा एक डेढ़ घंटा लगा के खेत पे, जहाँ से हमारे को गाड़ी भरनी है। गांव में आए ये गुलाटी करके गांव में भाई, यहाँ पर आए हैं लोड करने। ये है भाई मेरे साथ, मैं इधर देखो गाड़ी के राइट साइड में पपीते का बाग, ये चेक करो। बाकी ये भाई है सारे, अभी तोड़ तोड़ के लाएंगे फिर भरेंगे, मेहनत करने। गाइस हम आ चुके हैं अभी पपीता के बगीचे में, और अभी हमारी गाड़ी की लोडिंग होना चालू हो चुकी है। ये देखिए किस तरह से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ना इसे पेड़ से उतार उतार के रख रहे हैं नीचे इसको पपीते को, और साथ में यहाँ पर पेपर में पैक कर रहे हैं। अब ये दाने यहीं पर रखे हुए इन्होंने, अब थोड़ी देर बाद आएंगे बंदे इनके ही, तो वो इसको उठा के यहाँ पर टोकरी पे सिर पे उठा के गाड़ी के पास ले जाएंगे। बस सबका मतलब अपना अपना काम है, कोई बंदा पेड़ से तोड़ के नीचे रख रहा है, इन बंदों का काम है पैकिंग करना। बस ये अखबार में इसको पेपर में पैक करके इसीलिए लगाते हैं भी जाते जाते वहाँ तक कि माल पक भी जाए। तो इसके बाद देख रहे हैं आप, यहाँ इनके बंदे आ गए, देखो गाड़ी में इन्होंने पहुँचा दिया माल। ऐसे ही इसको गाड़ी में सेट किया जाता है लोड, पहले इसमें घास लगाया जाता है साइडों से ताकि हवा ना जाए, और ये देखो ये टोकरी पे ला के डायरेक्ट इसको गाड़ी में डाल रहे हैं। और ऐसे होता है ये माल लोड, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें, सुबह से शाम होगी हमारी गाड़ी को भी रात के 11 बज गए, ऐसे इनको लोड करते करते एक एक पीस को लाना पड़ता है गाड़ी में। तो भाई रात के बज रहे हैं 11, लोड होके आ गई है गाड़ी, पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे हम, तेल डलवाने के लिए रुके थे यहाँ, तो डलवा दिया तेल सब जल्दी जल्दी में। हो रहा है ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि भाई हमने देनी है मंडी परसों सुबह की। टाइम दिखाता हूँ देखो, 11:18 हो गए। चलें आगे कहीं शीशे वगैरह साफ करने पड़ेंगे यार, पहले गाड़ी निकालते हैं पंप से ज़रा बाहर, चाय भी पीनी है। सुबह से एक भी चाय नहीं पी है यार, एक चाय किसको बोलते हैं, आज पूरे दिन भर वहाँ कुछ नहीं मिला यार, परेशान हो गए। चलो आगे कहीं ना होटल देखते हैं, कहीं चाय वाय की टपरी चाय पीते हैं, वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। पेट्रोल पंप से निकल तो गए हम, लेकिन आगे अभी तक कोई चाय वाला हमारे को मिला नहीं,
और ये जो रोड है ना ये जा रहा है भाई, ये केशवी है, यहाँ से 200 किलोमीटर नहीं, ये रोड है मनावर से धार रोड, और इसमें पूरा समझ लो ये घाट सेक्शन जंगल 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 वाला रोड रास्ता है भाई ये। कई बंदे मेरे को बोरे थे, बोले रात को मत जाना भाई इधर रिस्क है। अब मैं क्या करूँ, ये शॉर्ट रोड है भाई, लेके भगवान का नाम लगे हुए चलने इस रोड में, बाकी ट्रैफिक तो भाई एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। देख लो कैसा रास्ता है ये। लो जी भाई अब भी आगे पहुंचे हम मेन रोड में, धार से 20 किलोमीटर पीछे है, रात के भाई 1 बज रहे हैं। अब आप खुद सोच लो, आप 4 बजे पी थी सुबह चाय, आई मीन 9 घंटे हो गए हैं कुछ चाय की मतलब बूंद तक नहीं पी हुई आज है भाई, 9 घंटे हो गए हमारे को 9 घंटे चाय पी ही। अब सुबह नाश्ते में वो पुआ सा लिया था, वही खाया था दिन में थोड़ा सा, वो मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने इसको दे दिया, मैं कहा तू खा ले। हाँ बोले इसको चाय बना दे, बोले यार चाय के साथ ले लेंगे कुछ भी खा लेंगे, परेशान होगा नहीं ऐसे में, मेरे को क्या फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता अगर चाय ना पीऊँ ना, क्योंकि हैबिट है चाय की इस करके। चलो अभी मिल गई, अब चाय पीते हैं पहले तो। लो भाई अभी चाय पी, अब जाके शांति मिली दिल को, और एक बार ना ये पिकअप देखो तो भाई कितनी मस्त है भाई, बॉडी बनाई पिकअप में, चेक करो भाई, शौक का कोई मोल नहीं है भाई, देखो तो कितनी मस्त पिकअप है भाई बनाई है, नई वाली पिकअप है, जो नई पिकअप आ रही ना वो वाली पिकअप है, देखो बॉडी भी कितनी गच लग रही इसकी, और ऊंची भी बहुत है, सही है भाई। शौक शौक में हर एक काम हो जाता है भाई, जो शौक होती है बंदे को अपना, बंदा उस हिसाब से काम करवाता है फिर। चले भाई रात के 1 बज रहे हैं, निकलते हैं हम भी अब यहाँ से। तो गाइज रात के बज रहे हैं 2:30, हम आके पहुंच गए हैं जी नागदा मेन रोड पे, आके पहुंच गए भाई, वो धार होते हुए आए हम धार, धार से फिर नागदा। तो अभी हम यहाँ रुके हैं नागदा में, जहाँ सुमित की दुकान है उससे थोड़ा इधर साइड को, सुमित के डैडी भी आए हैं। तो टायर हमने जाती बार यहाँ रखा था, आप तो हमने टायर देखो छत पे चढ़ा लिया है, पीछे से तिरपाल बांधनी थी वो बांध दी है, तो क्योंकि सुमित को अभी शादी है इसको कुछ दिन बाद, 5-10 दिन बाद, तो इसलिए मैं कहा भाई तू शादी देख ले, मैं कहा यहाँ से फिर आगे मैं अकेले जाने वाला हूँ, तो ठीक है सुमित भाई, बहुत अच्छा लगा भाई ये चक्कर लगा के, आया मज़ा कि नहीं है, परेशान हो गया भाई यार, बाकी ज़्यादातर थैंक्स सुमित के डैडी को, थैंक यू सो मच, आपको और रात को परेशान किया हमने यार, देखो रात के 2:30 बज रहे अभी घर से उठ के आए, देख रहे हो आप, देखो 2:30 बज रहे हैं, तो बस अब मेरे को भी निकलना है भाई, कल मंडी देनी है जाके चंडीगढ़ में, चाय पी रहा हूँ अभी यहाँ, चाय पी के फिर सीधा निकल जाऊँगा, अब यहाँ से आगे का सफ़र मेरा अकेले सोलो रह होने वाला है। बाकी क्या बोलना चाहोगे सब्सक्राइबर के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे एक शेयर भी करते रह करो दूसरों को भी, ठीक नहीं। तो दोस्तों चलिए फिर, निकाल ली है मैंने गाड़ी, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, और अभी मैं नागदा से निकला हूँ, कल सुबह मुझे चंडीगढ़ में बोला है 11 बजे तक आपने मंडी लगानी है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं भाई आगे की ओर, करते हैं अपना सफर शुरू लेके प्रभु श्री राम का नाम। भाई ये चल गए भाई, सुमित वगैरह भी जा रहे हैं घर को, मिलेंगे अब इनसे दोबारा, अब यहाँ से आगे मैं अकेले जाऊँगा क्योंकि इसको भी शादी है, मैं कहा जल्द तू शादी देख लेंगे, मेरे को टाइम लगेगा घर में, गाड़ी का काम भी करवाना है ना इसका, इसलिए बाकी एक दो और भी है बातें वो मैं आपको बता दूंगा, धीरे धीरे लग जाएगा पता आपको। चलिए फिर